is the phenomenon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्योर हैशटैग वर्सटाइल, आपका अपना चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना करवा चौथ मेकअप लुक, जो कि बहुत ही प्यारा हुआ था। और मुझे काफ़ी लोगों ने इसके लिए कमेंट्स भी किए कि आपका मेकअप बहुत अच्छा हुआ, आपका आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ है और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ये मेकअप बहुत ही सेटल मेकअप था, आप इसे दिन में और रात में किसी टाइम पर भी कर सकते हैं। और मैंने रेड साड़ी वेयर करी थी, तो उसके साथ बहुत ही लाइट और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल मेकअप रखा था ताकि ये दिन में और रात में दोनों में अच्छे से चल पाए। तो यहाँ मेरी साड़ी है रेड एंड गोल्डन कलर में, तो मैंने अपनी आईज़ का मेकअप जो रखा है वो है थोड़ा सा गोल्डन और हल्का सा ब्राउन टोन दिया है मैंने, उसमें हल्का सा रेडनेस डाला है। तो वो मैंने कैसे अचीव किया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। और ये वीडियो आपके कहीं अगर कहीं आपके यूज़ में हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा गोल्डन चोकर सेट पहना हुआ है, साथ में एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है और अपने बालों को किया हुआ है स्ट्रेटनिंग। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक यूज़ की है, बिल्कुल लाइट शेड, न्यूड शेड। और क्योंकि मैंने रेड साड़ी वेयर करी थी और अगर मैं बहुत ज़्यादा रेड कर लेती तो बहुत ही वो चंकी सा मेकअप लगने लगता, जो कि आजकल ट्रेंड में नहीं है। तो ये मैंने बिल्कुल ट्रेंडी मेकअप किया है, जो नई नवेली दुल्हन है इस तरीके से अगर कोई मेकअप करेंगी तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। या फिर आने वाले फेस्टिवल्स में, यानी कि दिवाली में या किसी भी फेस्टिवल पे आप इस तरीके का मेकअप कर सकते। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर अपना फेस पे स्प्रे कर लिया है, अपने फेस को पहले वॉश करिएगा उसके बाद यहाँ पे अपना रोज़ वाटर को मैंने स्प्रे कर लिया है ताकि अच्छे से हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद क्योंकि हमें स्किन का भी ध्यान रखना है इसलिए मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्राइमर ऑयल यूज़ किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से देख पाएँ। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी और इसे मुझे रब नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से जस्ट इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है, इसे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है अपने फेस पे और बहुत ही प्यार से इसे लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे NYB का प्राइमर लगा रही हूँ। ये प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड है, बहुत अच्छा है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है और इसे मैं अपनी आईज़ पे भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आई प्राइमर फ़िलहाल नहीं है इसलिए। तो उसके बाद यहाँ मैंने अपनी आईज़ पे लगा लिया है कंसीलर। कंसीलर के लिए आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं और कंसीलर थोड़ा सा आपका लाइट शेड होना चाहिए आपके फाउंडेशन से। और उसके बाद मैं इस कंसीलर को सेट कर रही हूँ अपने पाउडर से। तो उसके बाद पाउडर से सेट करने के बाद, ताकि हमारे जो आईज़ पे जब हम मेकअप करते हैं तो लाइंस ना आए इसलिए पाउडर से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। उसके बाद अपनी आईज़ के ऊपर देखिए कि जो लाइंस होती हैं, जहां आपकी आईज़ की पूरी एक बनावट होती है, उस पर आपको हल्के हल्के हाथों से एक डार्क शेड लेना है। मैंने यहां पे थोड़ा सा ब्राउन टोन लिया है और उसमें हल्का सा रेड टोन मिक्स करके ब्राउन टोन एक कलर बना के उसका डस्ट रिमूव करके उसे मैं एक ओवल सा शेप दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं उसको बढ़ा के नहीं लगा रही हूँ और आपको देखना है कि अपनी आईज़ की जो कटिंग होती है, हमारे आईज़ के ऊपर लाइंस होती हैं, तो वो मैं किस तरीके से हाथ अपना मूव कर रही हूँ, तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, तब आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी आईज़ पे वो शेड लगा लिया है। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ हाफ कट क्रीज मेकअप, आई मेकअप। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने रेड टोन इसमें लिया है, अभी ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा, आपको डार्क लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना आईज़ को कट क्रीज देने के लिए एक फाउंडेशन या कंसीलर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे NYB का कंसीलर यूज़ किया है और उसको आईज़ के हाफ तक मैंने उसे कटिंग करके और इस तरीके से पूरे आईज़ पे फैला लिया है। उसके बाद मैं यहाँ फ्लैटन ब्रश लेके इसको भी मैंने पाउडर से सेट किया है। उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गोल्डन शेड। हाँ जी, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चंकी वाला गोल्डन ही, एक जो प्यारा सा गोल्डन होता है ना, वो यूज़ किया है। और उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ लिक्विड आईलाइनर। और अपनी आईलाइनर जो भी आप लगा रहे हैं उसको आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा विंग करने की कोशिश की थी और मुझे बहुत ज़्यादा विंग आईलाइनर नहीं चाहिए था, तो मैंने हल्का सा इसे नीचे से साइड से दिया था लुक।
और ये मैंने दोनों आँखों में अच्छे से लगा लिया है और ये बड़ा अच्छा वाला लाइनर है, तुरंत ही सूख जाता है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी फॉल लैशेज लगा ली हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन। सॉरी, फाउंडेशन का वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये पूरे फेस पे अच्छे से हमें फैला लेना है, अपने नेक पे, ईयर पे अच्छे से, ताकि कहीं पे भी आपका शेड डार्क और लाइट ना दिखे, फेस डार्क या फेस लाइट इस तरीके से ना दिखे। उसके बाद ये अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंडिंग इज़ द मस्ट, आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको पाउडर की रिक्वायरमेंट हो आप पाउडर लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे पाउडर कंटोरिंग कर रही हूँ अपने, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फेस बहुत फ्लैट हो जाता है, तो इसको मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ आपको कटिंग चाहिए, जैसे जॉ लाइन हमें कटिंग चाहिए होती है, या फिर जो हमारी नोज़ कटिंग होती है, तो इस तरीके से हम कटिंग करते हैं इसे। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमें स्मज करना है, और ताकि ये चिपका चिपका ना लगे यहाँ पे, इसीलिए मैं पाउडर कंटोरिंग यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लश। तो ब्लश जब भी लगाइए तो मुस्कुरा के लगाइए, आपका ब्लश बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत लाइटन शेड ब्लश यूज़ किया है, और आप देख रहे होंगे अभी मेरा फेस थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा कलर, कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लाइट से लग रहा है। और जब मैं इसको सेटल कर लूँगी और एटलीस्ट 10 to 15 minutes बाद हमारा मेकअप बहुत खिल के आता है, तो लिटरली आप ये मेकअप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। और यहाँ पे मैं एक फ्लैटन ब्रश लेके अपनी नोज़ की कंटोरिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है नोज़ में, लेकिन एक मेकअप को लुक देने के लिए मैं थोड़ी सी कंटोरिंग कर रही हूँ, ताकि वो हाईलाइट हो। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ के ऊपर लगा रही हूँ हल्का सा हाइलाइटर, और उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, काजल लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो लिपस्टिक लगाई है, मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है रेड कलर का, और अंदर लिप्स में मैंने फिल करी है न्यूड लिपस्टिक, और जब दोनों का मिक्स किया तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा था। और यहाँ मैं लैक्मे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, तो जब भी आप फॉल लैशेज लगाएँ मस्कारा ज़रूर लगाएँ। और उसके बाद मैं अपने आईज़ के कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ ब्राउन कलर का आई शेडो, जो मैंने ऊपर यूज़ किया है उसी को मैंने नीचे एक ब्रश से, पतले ब्रश से मैं लगा रही हूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से स्मज हो जाए, और इससे एक बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट होता है। डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिए, जब भी काजल लगाएं तो इस तरीके से ज़रूर स्मज करना, बहुत अच्छा सा लुक आता है। और फिर उसके बाद मैंने काजल यूज़ किया है, काजल मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कोई और भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरा आई मेकअप हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो बताना ज़रूर आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं वो कर पाती हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, बिगनर हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है या मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ क्या करना है आपको, हाँ जी लाइक कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और यहाँ मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, आईब्रोज़ फिल करने के बाद मेकअप लुक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो क्योंकि हम फाउंडेशन वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारी आईब्रोज़ उस टाइम बहुत लाइट लगती है, इस वजह से हमें फाउंडेशन के साथ साथ जब हम पूरा एक बेस रिक्रिएट करते हैं तो हमें आईब्रोज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, और आई मेकअप तो हमेशा सुपर होना चाहिए। तो ये था मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड लव यू गाइज।